देखिए समस्या जानते हैं क्या है, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध महापुरुषों को केवल एक पार्टी और एक परिवार से जोड़ देना। अरे भाई महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, फिर कांग्रेस ने क्या किया कि उसको एक परिवार से जोड़ दिया। भाई सरदार पटेल जी थे, उनसे रहा होगा राजनीतिक मतभेद, उससे क्या फर्क पड़ता है। राष्ट्र के लिए जो किए गए उनके श्रेष्ठ कार्य हैं, उनको हम हमने महात्मा गांधी जी को कहा अपने परिवार से जोड़ा, सरदार पटेल को कहा परिवार से जोड़ा। इंदिरा जी मैंने आपके कार्यक्रम में मैंने बात बोली थी, नेताजी को कहा अपने परिवार से जोड़ा, कार्यक्रम में बात बोली थी। नेताजी बने तो कांग्रेस की वजह से, सरदार पटेल बने तो कांग्रेस की वजह से। प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेजों के अधीन सरकार थी, प्रथम प्रधानमंत्री थे इसलिए उनका, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे इसलिए उनका एक विशेष स्थान है, महत्व है। संजय जी महत्व को कोई नकार सकता है क्या? आप अपने अपने टर्म पे बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ संजय जी सुनिए इस बार सुधांशु जी का जवाब। हाँ अरे भाई अगर उस दृष्टि से माने आप कितना सम्मान किए तो हम ये बात तब मान लेते संजय जी कि महात्मा गांधी की तो इच्छा थी कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, कर दिया क्या नेहरू जी ने? तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कमाल की बात है, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की वो गांधी जी के सम्मान की बात कर रहे हैं करते हैं और गांधी जी के प्रति जो हमारा मान सम्मान और हमारी जो श्रद्धा जुड़ी है उस पे सवाल उठा रहे हैं वो जिन्होंने गांधी की हत्या की, हो वो समझा जा सकता है। कृपया करके और जहां तक इतिहास की बात है, स्वतंत्रता आंदोलन गांधी की हत्या की और करवाई केवल एक नजरिए से देखना यह कदापि अनुचित है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। त्रिवेदी जी आपका संगठन आपके लोगों ने गांधी जी की हत्या करवाई, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं। आप संजय जी मैं आपको एक उदाहरण सही बोलता हूँ, लोगों का आपने कहा कि इंदिरा जी का अपमान है, प्रतिबद्धता है, क्या तरीका है भाई? आप लगातार वरिष्ठ नेता होकर इस ढंग से आप बार बार हस्तक्षेप करेंगे। मुझे बीच में आना पड़ेगा मुझे संजय जी एक एक करके सर, संजय निरुपम जी ऐसा हो सकता है कि आप उनकी बात से सहमत नहीं हो लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर अपनी बारी का प्लीज। संजय जी सुधांशु जी हम भी आपकी बहुत सी बातों से सहमत थे, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया है। हाँ अब मैं कह रहा हूं, देखिए जो ये कह रहे हैं ना कि इंदिरा जी का अपमान, मैं एक दावे के साथ तथ्य के साथ बात कहता हूं। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई और उसने जमीन में गाड़े गए इंदिरा जी की सरकार के जमाने के ताम्र पत्र निकाले जो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे थे, उसमें जानते क्या था? इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे और सरदार पटेल का नाम एक लाइन में था। यहां तक कि उन ताम्र पत्रों में तो महात्मा गांधी ज्यादा इंदिरा गांधी जी की तारीफ थी, तब मोरारजी की सरकार ने उस पर आपत्ति की थी। आप बताइए, आप कह रहे किसका अपमान और किसका सम्मान? इससे पहले बताइए कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में सरदार पटेल के इतने बड़े चित्र और इतने बड़े मूर्तियां लगाई गई हो और उनका माल्यार्पण किया गया हो, उनका इसलिए हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हम उनमें से नहीं है। जैसे आपके मणिशंकर अय्यर ने पोर्ट ब्लेयर में जाकर पूरी सुबह चला वीर सावरकर के नाम की पट्टिका उखाड़ कर फिंकवा दी थी। अरे भाई राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, पर जिन लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई सहयोग दिया सावरकर की पट्टिका उखाड़ के फिंकवा दी और जिन्ना की फोटो के लिए एमयू में साथ में खड़े थे, मेरे विचार से ये महात्मा गांधी की विरासत नहीं थी। ये इसका जवाब दीजिए उसके बाद रागी जी आपके पास नहीं है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस को महात्मा गांधी की कांग्रेस के साथ इक्वेट करने का कार्य मत करिए।